बेशक केंद्र सरकार की तरफ से बच्चियों के साथ हो रहे घिनौने काम के लिए फांसी की सजा सुनाई जाती है, लेकिन घिनौनी सोच रखने वाले कई लोग इन नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जिला फिरोजपुर में देखने को मिला, जहां एक 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने की कोशिश की गई। जानकारी देते हुए बच्ची की मां ने बताया कि घर में नल का कनेक्शन ना होने की वजह से वो सब्जी मंडी में कपड़े धोने गई थी, लेकिन जब कुछ देर बाद वो लौटकर आई तो उसको अपनी बच्ची नजर नहीं आई, तो उसने आसपास उसे ढूंढना शुरू कर दिया। जब वो मंडी में खड़े कुछ ट्रकों के पास गई तो वहां एक कैंटर में काला नामक व्यक्ति उसकी बच्ची के साथ अश्लील हरकतें कर रहा था, तो वहां मौजूद कुछ औरतों ने उसे पकड़कर वहीं पीटना शुरू कर दिया, परंतु वो व्यक्ति औरतों से बचकर वहां से भाग गया। उधर बच्ची के मां के बयानों पर पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है और कैंटर चालक की तलाश शुरू कर दी है। कपड़े धोन गए सी दाना मंडी, हाँ जी, ते साडे घरे ना नलका हैगा ना टूटी हैगी, असी लीड़े धोन गए ते अही इधर साडी गुड़िया गुम हो गई, असी इधर उधर लभदे रहे, साडी गुड़िया नहीं लभी, असी देखभाल कीती। चीज दे बहाने लै गया, चला गुड़िया तेन चीज दवा के दवा, कैंटर च वेख्या कपड़े कुपड़े लथे हुए सी, गंदिया शटारियां करदा सी अगता करदा सी, फिर असी जनानियां ने कुट मार कीती, कुड़ी ने छड़ाया, हां जी, फिर असी कुट मार कीती बुढ़िया ने, हां जी हां जी। ते हुण तुसी की मांग करदे हो? एनस्टार न्यूज़ के लिए फिरोजपुर से सुखचैन सिंह की रिपोर्ट।